हाय गाइस, यूजिंग द ASP.NET कोर्स ब्लेजर, इन दिस ट्यूटोरियल हम सीखेंगे कि क्रूड ऑपरेशन करेंगे विद ब्लेजर के थ्रू। यहाँ पे जैसे कि हम एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड कस्टमर्स की डिटेल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ram@gmail.com, पासवर्ड में दे देता हूँ ram123। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेव। ये हमारे पास डिटेल्स ऐड हो गई है, ऐड करने के बाद इसे एडिट करेंगे। जैसे कि राम कुमार, यहाँ पे राम्स कर देता हूँ 123, एंड पासवर्ड में यहाँ पे ऐड द रेट कर देता हूँ मैं। ये अपडेट कर देता हूँ, ये राम्स की डिटेल्स अपडेट हो गए विदाउट रिप्लेसिंग। अब हम एक बार डिलीट्स करते हैं। आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड्स? आई एम श्योर एंड डिलीट दिस रिकॉर्ड्स। इन दिस वीडियो में हम ये पूरा कोड ऑपरेशन करेंगे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यूजिंग द ASP.NET फ्रेमवर्क कोर। क्रूड ऑपरेशन करेंगे विद ब्लेजर्स टेक्नोलॉजी। फर्स्टली आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू पे। यहाँ पे ब्लेजर ऐप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लेजर ऐप, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ ऐप वेब, देन क्रिएट। यहाँ पे हमें हमारा ब्लेजर्स का एक प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यूज़ हुआ है ASP.NET Core 3.1 ब्लेजर सर्विस ऐप। यहाँ पे इनेबल्स डॉकर सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है। इसमें कोई बिल्ड प्रोसेस चल रहा है, जो भी हमारे जो पैकेज हैं वो सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। यहाँ पे ब्लेजर्स का ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं। अब क्रूड ऑपरेशन करेंगे विद ASP.NET कोर विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स। इसमें हम सॉल्यूशन में जाते हैं, एक लाइब्रेरीज एक फोल्डर सेट करते हैं। लाइब्रेरी सेट करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे लाइब्रेरी साइन C#.NET Core C++Library.NET Core। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे Blazor.Core। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे लाइब्रेरी हमारी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जाना है डिपेंडेंसी पे, राइट क्लिक करके ऐड द रेफरेंस, रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे blazor.cores पे ऐड कर देंगे। और हमें ASP.NET एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स यूज करना है। जो हमारे पास जो टेबल्स है, कस्टमर्स की टेबल है, उसमें है नेम्स, ईमेल आईडीज, पासवर्ड, क्रिएटेड ऑन, लास्ट अपडेटेड ऑन। यहाँ पे आईडीज, नेम्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ है। और डेटाबेस है वेब टेस्ट। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर। इसमें हम 3 पैकेज इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जाएंगे ब्राउज पे, यहाँ पे लिखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन SQL सर्वर्स एंड टूल्स, 3 लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। जो इन लाइब्रेरीज हैं 3 के अंदर होनी चाहिए, 3.1। अब सेम एज SQL सर्वर, सेम यहाँ पे 3.0 आपको सेलेक्ट नहीं करना, 3.1 के अंदर सेलेक्ट करना है। आप इंस्टॉल, ओके, एक्सेप्ट।
this last one is true. ये यहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरीज कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद हम इसे एक बार बिल्ड करेंगे सॉल्यूशन को। ये रीबिल्ड्स करने के बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं क्लास को। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम डेटाबेस जनरेट की एक स्क्रिप्ट लिखेंगे ओनली। यहाँ पे लिखेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट, हम लिख देते हैं जनरेट डीबी डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर हेड पे क्लिक करेंगे, इस कोड्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ये कोड्स देखिए है, हमारा सर्वर नेम भी हैप्पी डेटाबेस वेब टेस्ट सेम एस जो मॉडल्स डॉट टू डायरेक्ट फोल्डर्स का नाम लिखे हैं मॉडल। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाएंगे टूल्स में, यू गेट पैकेज मैनेजर्स, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लेजर्स डॉट कोड्स, यहाँ पे कर देंगे एंटर। इससे हमारी जितने भी मॉडल्स हैं की टेबल्स वो सारी क्रिएट्स हो जाएगी। यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट देन सक्सेस, यहाँ पे हमारी टेबल्स जनरेट हो गई है। यहाँ पे कस्टमर्स की है, हमारे पास ये टेबल्स था जो कस्टमर्स के आई डी नेम्स डिफॉल्ट दिस प्लेस एंड वेब टेस्ट कॉन्टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे हमारा बाइंड हो गया ऑटोमेटिक्स। अब इसके बाद हम करेंगे एक सर्विस बनाएंगे, सर्विस हम यहाँ पे बनाएंगे डेटा के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर सर्विस, क्लास में जाएंगे, यहाँ पे लिखना है हमें कस्टमर सर्विस एड, एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सारी सर्विस बनानी है, लिस्ट अपडेट डिलीट्स, पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्टअप पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे कनेक्शन भी देना है, कनेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखना है हमें स्ट्रिंग। सर्वर इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। कॉपी करने के बाद ये कनेक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हमारा पेस्ट हो गया। सेम कनेक्शन को यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर भी ऐड करने के बाद हमें जाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में करेंगे सर्विस डॉट ऐड डीबी कॉन्टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा मॉडल्स के अंदर देखेंगे क्या नाम, वेब टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, वेब टेस्ट कॉन्टेक्स्ट। इसका नेम स्पेस ऐड करना है तो यहाँ पे माउस ले जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन
clicking options dot use SQL Server. I'll be clicking a configuration dot get connection strings. I'll be call kar denge bas only connect. यहाँ पे हमारा एक कॉल हो गया और एक डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं सर्विस डॉट एंड स्कोप. हमारे पास है कस्टमर सर्विस, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, ये हमारी एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई. अब यहाँ जाएंगे कस्टमर सर्विस में, यहाँ पे मेथड्स बनाने में एप्लीकेंट प्राइवेट रीड ओनली वेब टेस्ट कॉन्टेक्स्ट. अब कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें CTOR, टैब दबाने बस एक बार, बस टैब दबाना यहाँ पे, टैब करते ही क्रिएट हो जाएगा. वेब टेस्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने डिस्लाइज कर दिया इसे, हमने कॉन्टेक्स्ट फाइल को डिस्लाइज कर दिया. यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक लिस्ट यूज करते हैं लिस्ट, यानी कस्टमर है हमारे पास, रिटर्न करेंगे लिस्ट गेट कस्टमर्स लिस्ट. नाउ बिगिन वेयर कस्टमर्स लिस्ट इज इक्वल टू context dot customer dot to list. यहाँ पे क्या करते हैं return customer list. ये हमारे customer details return हो गया. अब हमें बनाना है add customers public void add customer details. यहाँ भी लिखना है यूजिंग वेयर ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन. यहाँ पे ट्राई कैच यूज करना है, टी आर बाई ट्राई टैब देन ये क्रिएटेड ऑटोमेटिक्स. अब हमें यहाँ पे पैरामीटर्स भी चाहिए कस्टमर्स मॉडल्स का, आप लेंगे कस्टमर्स मॉडल, यहाँ पे हमें सेव करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट एड मॉडल. यहाँ पे हमें सेव चेंजेस करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस. यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ये कमिट हो गया ट्रांजेक्शन. कमिट करने के बाद इसे रोल बैक करना है ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक. अगर एक्सेप्शन है तो. अब हमें हमारे पास लिस्ट बन गया, लिस्ट टाइप ऐड मेथड्स बन गया हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए, गेट बाय आईडी, आईडी के बेस में डिटेल चाहिए. यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक कस्टमर ही रिटर्न करने हैं कस्टमर्स गेट कस्टमर्स बाय आईडी ब्रैकेट्स ओपन इनिट कस्टमर आईडी. अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे लिखते हैं वेयर डेटा इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट
इसमें हम लिंकी यूज़ कर रहे हैं कस्टमर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट्स या वेयर लगा सकते हैं वेयर लैम्डा एक्सप्रेशंस आईडी इज इक्वल टू आईडी कस्टमर आईडी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट्स अगर आईडी इंक्लूड्स है तो डेटा आएगा नहीं तो नहीं आएगा इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल नल नहीं होना चाहिए तो रिटर्न क्या कर देंगे हम डेटा कर देंगे जो हमारे पास डेटा आ रहा है कस्टमर्स मॉडल्स का वो रिटर्न हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे जाएगा रिटर्न्स न्यू कस्टमर्स मॉडल्स ब्लैंक ये यहाँ पे हो गया अब हमारे पास डिटेल्स आ गई अब हमें क्या करना है अपडेट करना है पब्लिक्स वॉइड अपडेट कस्टमर्स कस्टमर्स की डिटेल्स अपडेट करनी है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कस्टमर्स मॉडल पैरामीटर चाहिए हमें कस्टमर मॉडल सेम एज यूजिंग वेर यूज करके ट्रांजेक्शन्स यूज करने कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन सेम एज ट्राई कैच यूज करने के बाद हमें अपडेट का मेथड्स बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं वेर कस्टमर इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर आइए यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट लैम्डा एक्सप्रेशन सी डॉट ए डॉट आई डी इक्वल टू मॉडल्स डॉट आई डी गुड ये बार बार डेटा आ जाएगा फिल्टर्स ओके उसके बाद फिर इफ अगर कस्टमर्स नल है अगर कस्टमर्स नॉट इक्वल टू नल अगर उसके अंदर वैल्यू है तो यहाँ पे आएगा कस्टमर्स डॉट आईडी हम चेंज करते हैं नेम्स चाहिए हमें नेम्स यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट नेम्स सेम एज कस्टमर्स डॉट नेम्स के बाद क्या इसके हमें ई मेल आई डी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ई मेल आई डी सेम एज कस्टमर्स डॉट पासवर्ड्स हैं इसके पास इस मॉडल से मॉडल्स डॉट पासवर्ड ये कस्टमर्स डॉट लास्ट अपडेटेड कब हुआ डेट टाइम्स डॉट यूटीसी कर देंगे इसमें नॉर्मल्स यूटीसी अब इसमें हो तो गया यहाँ पे लिखेंगे कलर कॉन्टेक्स्ट कस्टमर डॉट अपडेट यहाँ पे हम पास करेंगे कस्टमर्स ये कस्टमर्स मॉडल अपडेट हो जाएगा कॉल फिर हम इसे क्या करना सेव चेंजेस करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है ट्रांजेक्शन डॉट कमिट ट्रांजेक्शन हमारी कमिट हो जाएगी अगर कोई एन इशू देन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा रोल बैक गुड हो गया ये रोल बैक्स हो जाएगा यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए हमें एक फील्ड्स यहाँ पे ऐड करनी है एड कस्टमर डिटेल्स में यहाँ पे जाना है आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल्स डॉट क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट यूटीसी मॉडल्स डॉट लास्ट अपडेटेड इज इक्वल टू डेट टाइम यूटीसी यूनिवर्स टाइम्स ये हमने क्रिएटेड में ऐड कर दिया अब हमने अपडेटेड में भी कर दिया यहाँ पे मैं ठीक है लेट आऊँ आगे इधर अब हमें क्या चाहिए रिमूव करना है डिलीट का ऑपरेशन करना है यहाँ पर लिखना है पब्लिक्स वॉइड और डिलीट कस्टमर डिटेल्स जो भी है अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कस्टमर्स पास करेंगे मॉडल यहाँ पे हमें आईडी के बेस पे भी हो जाएगा यहाँ पे यूनिट आईडी पास कर देंगे कस्टमर आईडी सेम एज यूजिंग
where transaction is equal to context dot database dot begin transaction, same as try shortcut tab दबाएंगे दो बार, अगर एक बार नहीं आता तो दो बार दबाएंगे tab या जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है where data is equal to इक्वल टू, यहाँ लिखना है context dot customers dot first or defaults, यहाँ पे लैंडा एक्सप्रेशन यूज करना है a dot id इक्वल टू कस्टमर आई डी, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कस्टमर का। अगर यहाँ पे इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारा डेटा नल नहीं है तो हमें क्या करना है, इसमें कॉन्टेक्स्ट पे जाना है, कस्टमर पे जाना है, यहाँ पे लिखना है रिमूव, रिमूव करने के बाद यहाँ पे डेटा सेंड करना है, पास करना है डेटा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा, डिलीट होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन से कमिट करना है, हम लिख रहे हैं ट्रांजेक्शंस डॉट कमिट, ये हमारा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। अगर कोई इसमें इशू आता है तो हमारा ट्रांजेक्शन का जाएगा रोल बैक, दैट्स गुड, वेरी गुड, ये हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। ये क्रूड ऑपरेशंस का हमने मेथड्स बना दी, लिस्ट बना दी हमने, लिस्ट आ जाएगी डिटेल्स पे, ये ऐड कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी, इसमें ऐड करना है हमें, ऐड करने के बाद गेट बाय आई डी, आई डी पे इसमें हमें डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स के बाद अपडेट कस्टमर डिटेल्स चाहिए, इसकी अपडेट करना है कस्टमर की, जो भी हमने चेंजेस किया है इसके बाद डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास मैथड्स बन गए। अब मैथड्स बनने के बाद हमें क्या करना है, अब ब्लेजर्स यूज करना है, व्यू बनाना है इसमें, व्यू दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट व्यू,